बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्कोप ऑफ द वेरिएबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप से मुराद है लाइफ टाइम, और क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वी कैन से कि द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने मेन फंक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए के नाम से, तो इस वेरिएबल ए की का जो स्कोप है वो इस मेन फंक्शन तक ही है, यानी इस वेरिएबल ए का लाइफ टाइम इस मेन फंक्शन तक ही महदूद होगा। और अगर अब आप इस मेन फंक्शन के अलावा इस वेरिएबल ए को कहीं और यूज करना चाहते हैं जो कि इस मेन फंक्शन के ब्लॉक के बाहर है, तो आप इस वेरिएबल ए को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस इस वेरिएबल ए का स्कोप है और ये आप अपने स्कोप से बाहर विजिबल ही नहीं होगा, और जब विजिबल नहीं होगा तो आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। इसीलिए वी कैन से कि द स्कोप ऑफ द वेरिएबल ए इज विद इन द मेन फंक्शन एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल आउटसाइड द मेन फंक्शन। यानी ये जो वेरिएबल ए है इसका स्कोप इस मेन फंक्शन तक ही है और इस मेन फंक्शन के अलावा ये कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। और दोस्तों, ये स्कोप की डेफिनेशन देखिए, अ स्कोप इज अ ब्लॉक और रीजन वेयर अ वेरिएबल ए इज डिक्लेयर्ड डिफाइंड एंड यूज्ड, एंड व्हेन अ ब्लॉक और रीजन एंड्स वेरिएबल इज आल्सो डिस्ट्रॉयड। यानी स्कोप से मुराद है कि विद इन द कर्ली ब्रेसेस अगर आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसी ब्लॉक के अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं, और जैसे ही वो ब्लॉक एंड होगा, यानी ये कर्ली ब्रेसेस एंड होंगे, खत्म होंगे, तो वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसको समझने के लिए ये आप एक प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने मेन फंक्शन में सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी है int a equals to 10। तो कंपाइलर जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो मेमोरी में एक लोकेशन बना देगा ए के नाम से, जिसमें वैल्यू 10 को स्टोर कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट है int b equals to 5, तो कंपाइलर दोबारा से मेमोरी में एक और लोकेशन बना देगा b के नाम से, जिसमें वैल्यू 5 को स्टोर कर देगा। उसके बाद printf की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही ये कर्ली ब्रेसेस इनकाउंटर होगा, यानी ये ब्लॉक एंड होगा, तो इस वेरिएबल ए को भी और इस वेरिएबल बी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी मेमोरी से निकाल देगा। और क्योंकि अब ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म हो गया है, मेमोरी में मौजूद ही नहीं है, इसीलिए आप इन वेरिएबल्स को यूज ही नहीं कर सकते, किसी और फंक्शन में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसीलिए ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ विद इन द ब्लॉक अवेलेबल हो वो कहलाते हैं लोकल वेरिएबल, बिकॉज दिस वेरिएबल ए इज लोकल टू मेन फंक्शन, क्योंकि ये इस मेन फंक्शन के ब्लॉक में ही अवेलेबल होगा, इसीलिए इसको लोकल वेरिएबल का नाम दिया जाता है। अब अगर आप इसको किसी और फंक्शन में यूज करना चाहते हैं तो अब आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा कि आपका ये जो ए और बी वेरिएबल है ये अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि अब ये मेमोरी में मौजूद ही नहीं है, तो कंपाइलर के पास इसका रेफरेंस ही मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें जो कि तमाम फंक्शंस को अवेलेबल हो, तो इसके लिए आपको अपने वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ ये वेरिएबल ए जो है, यानी ये जो वेरिएबल ए है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसे मेन फंक्शन और इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं उनसे बाहर डिक्लेयर किया है, तो अब ये तमाम फंक्शंस को अवेलेबल होगा, तमाम फंक्शंस को विजिबल होगा, और विजिबल होने की वजह से अब तमाम फंक्शंस इसको यूज कर सकते हैं, और इसका स्कोप आपके प्रोग्राम के स्कोप जितना होगा। जब आपका प्रोग्राम एंड होगा तो ये वेरिएबल भी एंड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इस तरह के वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है, जो कि एक प्रोग्राम में मौजूद तमाम फंक्शंस को विजिबल हो और जिनका स्कोप आपके प्रोग्राम के स्कोप जितना ही हो। यानी जब आपका प्रोग्राम शुरू हो तो ये वेरिएबल मौजूद हो आपके प्रोग्राम के अंदर, यानी मेमोरी में, और जब आपका प्रोग्राम एंड हो तो ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि स्कोप के हवाले से मजीद कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। दोस्तों, सपोज हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, आउटर ब्लॉक और इनर ब्लॉक। आउटर ब्लॉक में हमने कुछ वेरिएबल्स लिखे हैं, और याद रखिए ब्लॉक से मुराद है ये कर्ली ब्रेसेस। यानी अभी तक हमने
जितने भी स्कोप की बात की है कि आपका स्कोप यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर एंड होगा, विच मीन्स कि जहां आपका ये कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा वहां से आपके वेरिएबल का स्कोप स्टार्ट होगा, और जहां पर आपका ये कर्ली ब्रेसेस एंड होगा वहां पर आपके वेरिएबल का स्कोप भी खत्म हो जाएगा, आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, एक आउटर ब्लॉक है और एक इनर ब्लॉक है। आउटर ब्लॉक में हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और इनर ब्लॉक में हमने कुछ और वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। और दोस्तों याद रखिए, क्योंकि इनर ब्लॉक इस आउटर ब्लॉक का हिस्सा है, इसीलिए जो वेरिएबल्स आपने आउटर ब्लॉक में डिक्लेयर किए हैं, यानी जो वेरिएबल वार वन और वार टू आपने आउटर ब्लॉक में डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, वो तमाम वेरिएबल्स विजिबल होंगे इस इनर ब्लॉक को भी। यानी ये जो इनर ब्लॉक है ये इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स आपने इनर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए हैं वो इस आउटर ब्लॉक को विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनर ब्लॉक के एंड होते ही ये वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी ये जो वेरिएबल वार थ्री है और वार फोर है ये इस आउटर ब्लॉक को विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपका कंपाइलर इस कर्ली ब्रेसेस पर आएगा वो मेमोरी में एक वेरिएबल बना देगा वार थ्री के नाम से। उसके बाद इस स्टेटमेंट में आपने वार फोर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो मेमोरी में वार फोर के नाम से एक लोकेशन असाइन कर देगा, लेकिन जैसे ही वो इस कर्ली ब्रेसेस को एंड करेगा, यानी इस ब्लॉक को एंड करेगा, तो इन दोनों वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इन दोनों वेरिएबल्स के डिस्ट्रॉय होते ही अब आप इनको कहीं और किसी और ब्लॉक में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब किसी भी ब्लॉक में विजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह के वेरिएबल, यानी अगर आपने इनर ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो वो आउटर ब्लॉक को विजिबल नहीं होंगे, लेकिन जो आउटर ब्लॉक के वेरिएबल हैं क्योंकि वो एंड तक आपकी मेमोरी में मौजूद होंगे, इसीलिए आउटर ब्लॉक में जितने भी इनर ब्लॉक्स होंगे उन तमाम ब्लॉक्स के अंदर ये तमाम वेरिएबल विजिबल होंगे, तमाम ब्लॉक्स तमाम फंक्शंस इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए एक प्रोग्राम के जरिए इसको मजीद समझते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, एन काउंट और चेक का वेरिएबल, और दोस्तों दोनों ही लोकल वेरिएबल हैं, लेकिन दोनों के स्कोप अलग अलग हैं। वेरिएबल एन काउंट का स्कोप, क्योंकि ये इस मेन फंक्शन के ब्लॉक के दरमियान है, इस मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस के दरमियान है, तो इसका जो स्कोप है इस मेन फंक्शन के अंदर है, यानी इस मेन फंक्शन के जितना है, इस मेन फंक्शन के अंदर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल चेक है ये आपने इफ के ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, तो इसका जो स्कोप है वो इस इफ के ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, आप इस इफ के ब्लॉक के बाहर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। विच मीन्स कि ये दोनों ही लोकल वेरिएबल हैं, और लोकल वेरिएबल से मुराद ये है कि इनका जो स्कोप होता है ये लिमिटेड होता है, ये किसी एक ब्लॉक के अंदर ही आप इनको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि इस चेक वेरिएबल का जो स्कोप है वो इस इफ के ब्लॉक के अंदर ही है, यानी इस कर्ली ब्रेसेस से इसका स्कोप स्टार्ट होगा और इस कर्ली ब्रेसेस के एंड होते ही इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, इसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब अगर आप इसको कहीं और ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं, किसी और फंक्शन में यूज करते हैं, तो फिर आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। और ये देखिए यहाँ पर आपके कंपाइलर ने एरर जनरेट किया है कि चेक अनडिक्लेयर्ड, यानी फर्स्ट यूज्ड इज इन दिस फंक्शन, यानी ये जो आपका वेरिएबल चेक है ये अनडिक्लेयर्ड है, आपने तो इसको डिक्लेयर ही नहीं किया और बगैर डिक्लेयर किए ही आपने इसको यूज कर लिया, जबकि आप देख सकते हैं कि हमने इसको इफ के ब्लॉक में डिक्लेयर किया था, लेकिन क्योंकि अब इसकी डिक्लेरेशन आउटसाइड द ब्लॉक विजिबल नहीं है, इसीलिए आपके कंपाइलर ने एरर जनरेट किया है। तो दोस्तों ऐसे जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ विद इन द ब्लॉक आपको नजर आ सकते हैं, विद इन द ब्लॉक आप इनको यूज कर सकते हैं, और उस ब्लॉक के एंड होते ही ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपका कंपाइलर इनको मेमोरी से निकाल देता है। लेकिन ये जो एन काउंट है आप इसको इफ के ब्लॉक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ के ब्लॉक के बाहर मेन फंक्शन के अंदर जहां भी चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये था स्कोप ऑफ द वेरिएबल। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।